झारखंड में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दीपक प्रकाश झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका मनोनयन किया। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दीपक प्रकाश प्रदेश बीजेपी में महामंत्री थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने एक दिन पहले झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को बनाया है और जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। ऐसे में दीपक प्रकाश को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश भी पूरी तरह से की है। झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी अपने सियासी केले को दुरुस्त करने में जुट गई है। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के महज एक दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीपक प्रकाश को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कार्यकर्ताओं के बल पर, हमारे यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं उनके बल पर और सामूहिक नेतृत्व के बल पर पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने का संकल्प हमारे मन में है। दीपक प्रकाश प्रदेश बीजेपी में महामंत्री थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक प्रकाश को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनका परिवार भी खुश है। उनकी पत्नी ने कहा, दीपक प्रकाश ने पूरा जीवन संगठन को दे दिया है, वो सबको जानते हैं, एक बार फिर से पार्टी को अपनी मेहनत की बदौलत सत्ता में लाएंगे। दीपक जी आज से नहीं, बहुत दिनों से बीजेपी में कार्य कर रहे हैं और कुछ न कुछ पद पे हमेशा ही रहे हैं वो, और सारे जनता उनको बहुत प्यार देती है और अभी तो सत्ता में है भी नहीं, और जहां तक हमको लगता है कि ये फिर से सत्ता में फिर आएंगे इनके प्रदेश अध्यक्ष रहने से। उधर जेएमएम ने दीपक प्रकाश को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनसे सकारात्मक सुझाव देने की अपील की है। सकारात्मक रूप में वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए सरकार को अपना सुझाव दें कि जनहित में कौन से कार्य, क्योंकि पिछले 5 वक्त में ईमानदारी से यदि वो भी आकलन करेंगे, हमको लगता है कि दीपक जी भी बहुत नाखुश ही होंगे, क्योंकि वो रिजल्ट ही बताता है कि भाजपा को लोगों ने क्यों नकारा। दरअसल झारखंड चुनाव में हार के बाद बीजेपी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण गिलुआ अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। अब दीपक प्रकाश को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच बैलेंस बनाने की कवायद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।